हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा, आगे फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग जीओसी पढ़ रहे हैं 11th का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए, नीट एंड जेई के लिए। ठीक है, तो उसी को लेके हम लोग अभी ये स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी तक मैंने फोर लेक्चर दे चुकी है मैं। ठीक है, आज फिफ्थ होगा, जिसमें हम लोग अभी थे किस पे। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था नेचर और टाइप ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दूसरा क्या बताया था, चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का चेन कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो नेचर टाइप ऑफ कार्बन में मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था जो मेनली चार टाइप के होते हैं कार्बन, कौन कौन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। ठीक है, प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री एंड क्वार्टनरी को 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, मैंने ये डिफिनेशन भी दिया था एंड मैंने बताया था अभी आपको, मैं अभी रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो क्या प्राइमरी किसे कहते हैं, जब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो जब कार्बन जो है सो अपनी 3 वैलेंसी डायरेक्ट हाइड्रोजन से कंप्लीट करे एंड ओनली 1 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट करे, तो वैसे कार्बन को क्या बोलते हैं, वैसे कार्बन एटम को बोलते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। ठीक, सेकेंडरी में क्या होता है, ये अपनी 2 वैलेंसी डायरेक्ट हाइड्रोजन से एंड 2 वैलेंसी कार्बन से, कार्बन डायरेक्ट कार्बन बोले या कार्बन चेन से कंप्लीट करती है, ठीक, वैलेंसी कार्बन। ठीक है, तो ऐसे कार्बन को, एटम को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। जब कार्बन एटम जो है सो अपनी 3 वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट करे, यानी डायरेक्ट कार्बन से जुड़े एंड ओनली 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करे, तो उसे क्या कहते हैं, टर्शरी। एंड जब चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से या कार्बन चेन से जुड़ के कंप्लीट करे, एक भी वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट ना हो, तो ऐसे कार्बन को क्वार्टनरी कहते हैं। अब आते हैं किसमें, हम लोग चेन पे। तो जब कार्बन एक लाइन स्ट्रेट लाइन में रहे तो क्या हुआ, वो चेन। एंड जब ये कार्बन का ग्रुप जो हो सो ब्रांच बनाए, तो उसे ब्रांच क्यों बोलते हैं, मेनली दो होते हैं, चेन एंड ब्रांच। ब्रांच में भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्या, एक था आइसो एंड एक नियो। क्या पढ़ाई थी मैंने, आइसो एंड न्यू, दो तरह के कार्बन चेन होते हैं। ठीक है, जब कार्बन का चेन किसी कार्बन के चेन में कंटिन्यूअसली कार्बन के चेन में उसके सेकेंड कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा हो, कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, कौन सा, मिथाइल ग्रुप, उसके सेकेंड कार्बन पे जब वो एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, वो या तो फर्स्ट से सेकेंड हो, आगे से सेकेंड हो, या सेकेंड लास्ट हो, लेकिन सेकेंड कार्बन पे ही। ठीक, तो वैसे कार्बन को क्या, कौन चेन को क्या बोलते थे, आइसो, आइसो कार्बन का चेन। ठीक है, एंड जब किसी कार्बन चेन में मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप कौन पोजीशन पे, या तो आगे से सेकेंड पोजीशन पे या पीछे से सेकेंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, नियो ब्रांच। आगे बात, इतनी बात तो समझ में हो गई। अब हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्काइल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अल्काइल बना किससे, व्हाट इज अल्काइल, अल्काइल क्या है, अल्काइल, अल्केन से बना अल्काइल, किससे बना, अल्केन से बना अल्काइल। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आगे बात समझ में, लेकिन जब ये CnH2n+2 में से -1 हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो ये बन जाता है अल्काइल। तो अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइल का फॉर्मूला होगा CnH2n+1, ये हो गया अल्काइल का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, लेकिन जब CH4 में से एक हाइड्रोजन को इसमें से हटा दिया जाए यानी CH3, तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया मिथाइल। बात समझ में आ रही है बच्चों, फिर एक एग्जांपल लो, मान लो क्या ले रहे थे, इथेन,
क्या होता है C2H6, है ना। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए यानी C2H5 तो ये क्या कहलाएगा, इथाइल। अभी हम लोग पढ़े थे ना ब्रांच चेन कैसे बनता है, आइसो ब्रांच आइसो प्रोपेन या नियो प्रोपेन कैसे, या आइसो ब्यूटेन मतलब आइसो ब्रांच चेन कैसे बनेगा कार्बन को, तो मिथाइल ग्रुप लगाते थे कि मिथाइल बना कैसे, तो मिथेन से बना मिथाइल, यानी उससे अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। मिथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करे तो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करे तो क्या हो जाएगा, उसकी एक वैलेंसी को फ्री कर दो, क्या करो उसकी एक वैलेंसी को फ्री कर दो तो वो बन जाएगा अल्काइल ग्रुप। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए चलो तो इसका डिफिनेशन दिखाते हैं, क्या अल्काइल ग्रुप मैंने बता ही दिया। फिर द ग्रुप ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम क्रॉसबेंडिंग अल्केन इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। आगे बात समझ में। अब अल्काइल ग्रुप को डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं R, ये अल्काइल ग्रुप। अल्केन को कैसे करते हैं, अल्केन हो गया RH, ठीक है, ये क्या हुआ RH, R में से H रिमूव कर दो, ये हो गया अल्काइल ग्रुप। आगे बात समझ में। अब ये देखना है क्या ये H हटाएंगे कहां से, ठीक, H कहां से हटाएंगे, आगे से पीछे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखवा दूंगी लेकिन याद भी रखना है। क्या जितने भी स्ट्रेट चेन यानी N प्रोपेन बोले, N एल्केन बोले, N ब्यूटेन बोले, जितने भी N मीन्स स्ट्रेट होता है, नॉर्मली N लिखा जाता है, N प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH3, N प्रोपेन यानी N मीन्स क्या हुआ, N मतलब स्ट्रेट चेन हो गया, कार्बन का स्ट्रेट चेन को N से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ में। तो जितने भी आइसो हो या ब्यूटो न्यूनो नियो हो, जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे उसमें जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट चेन जो होगा उसका जो कार्बन अल्काइल ग्रुप का जो होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। समझ में आ गई बात बच्चों, क्या क्या होगा, जितने अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या होगा, प्राइमरी 1 डिग्री अल्केन होगा। वो कैसे, तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करें। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन, नॉर्मल मीन्स क्या, एन मीन्स क्या हुआ, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट ऑल स्ट्रेट हो या आइसो यानी ब्रांच्ड, ब्रांच में कैसा आइसो मैं बता चुकी हूँ, ऑल नॉर्मल या आइसो या ब्यूटो सॉरी नियो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं आर प्राइमरी, प्राइमरी होते हैं, क्या होते हैं, 1 डिग्री प्राइमरी, एक्सेप्शन क्या है, आइसो प्रोपाइल को छोड़ के। चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल देखो, एन प्रोपेन लिख देते हैं या ब्यूटेन लिख लो, चलो एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन हो गया, चलो यहां देखते हैं, ब्यूटेन क्या हुआ, CH3 CH2 CH2, हो गया दो, ठीक है, ये हो गया मान लो नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, यहां से हटाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना है, जो अल्काइल ग्रुप बनाने के लिए हाइड्रोजन कहां से रिमूव करेंगे, या तो लास्ट कार्बन से, कौन से कार्बन से, या तो लास्ट कार्बन से या फर्स्ट कार्बन से, किससे रिमूव किया जाएगा हाइड्रोजन, या तो लास्ट कार्बन से या तो फर्स्ट कार्बन से, ये हमेशा याद रखना है, बीच से कहीं से नहीं। तो इसका
इसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा। स्टेबिलिटी अगर इससे यहाँ निकालिए तो सी एच हो जाए, सी एच वन तो फिर स्टेबल कैसे रहा, नॉर्मल चेन कैसे रहा, नहीं ना रह पाएगा। तो इसीलिए इसके जो बनाना पड़ता है अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, या तो लास्ट कार्बन से या तो फर्स्ट कार्बन से। ये बन गया क्या, ब्यूटाइल। क्या बन गया, एन ब्यूटाइल बन गया, एन ब्यूटाइल। अब देखिए ये क्या है, ये ग्रुप जो ब्यूटाइल बनाई, अल्काइल ग्रुप जो मान लीजिए यहां से निकाले, तो ये क्या है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, यही डायरेक्ट सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, वन डिग्री यानी प्राइमरी। नहीं अगर मैं इन्हें यहां से हटाऊंगी तब भी ये सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। आगे बात समझ में। अब मान लीजिए मैंने लिया आइसो, आइसो मैंने आइसो पेंटेन बना देती हूँ मैं, ठीक है। अब आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, ठीक। तो आइसो पेंटेन में क्या करना है, कार्बन संख्या कितनी होगी, पांच होगी। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, या तो सेकेंड पे या सेकेंड लास्ट पे। कार्बन संख्या कितनी होगी, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, अगर काउंट करें तो ये सेकेंड हो सकता है, इधर से काउंट करेंगे तो ये सेकेंड, इधर से काउंट करेंगे तो ये सेकेंड। तो या तो इसमें से रिमूव कर सकते हैं हाइड्रोजन, या तो इसमें से रिमूव कर सकते हैं, या इसमें से रिमूव कर सकते हैं। कहीं से रिमूव करें तो अगर मान लीजिए यहां से रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव कर यहाँ सी एच टू डाल दिए, तो यहाँ पे ये सी एच थ्री हो गया। तो ये देखिए कौन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वन, ओनली वन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, वन डिग्री। अगर मैं यहां से हटाती हूँ, ये यहाँ रहा, इसको फर्स्ट मान लिया, यहां से हटाती तो ये भी तो एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो आइसो के केस में हो गया। आगे बात समझ में। अब देखते हैं नियो के केस में क्या होता है, ठीक है। नियो में मान लीजिए मैंने हेक्सेन ले लिया, नियो में क्या ले लिया मैंने, हेक्सेन ले लेती हूँ मैं, ठीक है, नियो हेक्सेन। नियो में क्या होगा, सेकेंड चेन जो होगा कार्बन के चेन के, सेकेंड कार्बन के ऊपर और नीचे, सेकेंड कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड या सेकेंड लास्ट। ये मान लीजिए सी एच थ्री, यहाँ सी एच टू, सी एच टू, ठीक, यहाँ सी एच थ्री, मान लीजिए सेकेंड लास्ट कर देती हूँ, यहाँ सी एच थ्री, ये हट गया, ठीक, और एक ये हटा दूंगी तो मैं। अगे बात समझ में, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हो गया बात समझ में। अब मान देखो, अब अगर मैं इसे फर्स्ट मानती हूँ, ठीक है, यहां से हटाऊंगी, ये सी एच टू हो गया, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ओनली वन कार्बन से, तो ये भी हो गया वन डिग्री अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसे फर्स्ट मान लू, तो यहां से स्टार्ट करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तब भी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एक ही कार्बन से। जब भी मैं अल्काइल ग्रुप बनाऊंगी, अब फर्स्ट कार्बन से ही क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है। एक्सेप्शनल क्या है, आइसोप्रोपाइल के केस में, प्रोपाइल में कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए बच्चों, तीन। चलो ये भी बता ही देती हूँ, ठीक है, प्रोपाइल में क्या होनी चाहिए, कार्बन की संख्या तीन। तो मान लिए यहाँ आइसोप्रोपाइल है, प्रोपेन, ठीक। अब यहाँ देखते, देखिए प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए, सी एच थ्री, यहाँ सी। अगर आइसो करना है तो सेकेंड में डालना है, तीन ही कार्बन की संख्या होनी चाहिए ना, तो ये सी एच थ्री, ठीक। तो यहाँ पे वन टू, ये सी एच टू होगा, चार, ठीक। अब जब भी मैं मान लीजिए किसके फर्स्ट कार्बन से हटाना है, तो यहां से अगर मैं हटाती हूँ तब भी ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल के केस में क्या होता है, उसका जो अल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी। आई होप आप लोगों को अल्काइल ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच ये जितना मैंने पढ़ाया वो शेयर कीजिए, अच्छा अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।